श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी, कक्षा 9, विषय जीव विज्ञान, पाठ एक का जो नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई होता क्या है? जीवन की मौलिक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो हम लोगों के जो जीवन की मौलिक इकाई होती है वह कोशिका होता है। और अब जो है हम लोग कोशिका के बारे में जानेंगे कि कोशिका की जो अंग्रेजी होती है सेल, CELL, सेल, सेल माने कोशिका। तो अब कोशिका की हम लोग परिभाषा जानेंगे। कोशिका की परिभाषा होता क्या है? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की इंग्लिश में भी परिभाषा होती है, दी स्ट्रक्चरल एंड दी फंक्शनल यूनिट इज लाइक कॉल्ड सेल। देखिए यहाँ पे जो कोशिका है वह जिस प्रकार से जो है ये दीवार का निर्माण ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से जीवों का जो शरीर होता है वह कोशिका से मिलकर बनी होती है। जैसे हमें दीवार का निर्माण करना है तो एक एक ईंट मिलाने से जो है किसी दीवार का निर्माण होता है, उसी प्रकार से एक कोशिकाओं के मिलने से जीव शरीर की रचना होती है। अब देखते हैं कि कोशिका की जो खोज है, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब जो है जैसे मान लीजिए जीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिकाएं जब आपस में मिलते हैं तो जो है ऊतक का निर्माण होता है। किसका? ऊतक, टिशू। और जब ऊतक मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंग का। अंग मिल करके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और सभी अंग तंत्र मिल करके जीव शरीर की रचना का निर्माण करते हैं। अब आगे देखेंगे कि पुनः एक बार देखिए, जैसे देखते हैं कोशिकाएं जब आपस में मिलेंगी तो ऊतक का निर्माण होगा। ऊतक जो है मिलेंगे तो अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है और सभी अंग तंत्र मिल करके जीव शरीर की रचना का निर्माण होता है। अब देखेंगे अंग तंत्र में होता क्या है। जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, ये सब जो है कई अंग मिल करके इन तंत्र का निर्माण होता है। अब आगे देखेंगे कि कोशिका सिद्धांत की अंग्रेजी है सेल थियरी। सेल की अंग्रेजी CELL, थियरी TGORY। कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन मैथियास स्लाइडेन तथा थियोडार स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन मैथियास स्लाइडेन तथा थियोडार स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके अनुसार देखेंगे कि पहला है जो इसके अनुसार सभी जीवधारियों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से
मिलकर बना होता है। जितने भी संसार में जीवधारी हैं, चाहे वह छोटे जीव हों चाहे बड़े जीव हों, सबका जो है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलने से बनता है। जैसे हम एक कोशिका से निर्मित जीव का नाम बता रहे हैं, जो प्रोटोजोआ वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं? प्रोटोजोआ वर्ग। प्रोटोजोआ वर्ग में जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलीना है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, ये सब जो है एक कोशिका जंतु है। और अनेक कोशिकाओं से निर्मित जो जंतु होते हैं, जैसे मानव, गाय, भैंस, बकरी और अन्य जंतुएं जैसे पक्षियाँ हो गई, मछलियाँ हो गई, ये सब जो है अनेक कोशिकाओं से बना होता है। जो अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं वो मेटाजोआ वर्ग में रखे जाते हैं, यानी सबसे बड़ा जो भाग होता है उसे हम जगत कहते हैं। जगत के मुख्य दो भाग होते हैं, प्रोटोजोआ वर्ग और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ वर्ग में एक कोश की जंतु रखे जाते हैं, मेटाजोआ वर्ग में एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से जिन जंतुओं का निर्माण होता है उसे रखा जाता है। दूसरा है कोशिका जीवधारी। कोशिका जीवधारी के शरीर की मूलभूत इकाई होती है, यानी जितने भी जीवधारी होते हैं या जीव होते हैं उनकी सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। जिस प्रकार से दीवार की सबसे छोटी इकाई एक ईंट होती है, उसी प्रकार से जीवधारी के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। तीसरा है आपका, तीसरा देखिए, कोशिकाएं आनुवंशिकता की भी इकाई होती है, यानी आनुवंशिकता, कोशिकाएं आनुवंशिकता की भी इकाई होती है, यानी जो आनुवंशिकी गुण होते हैं वह सबसे छोटी इकाई कोशिका में निहित होता है। कोशिका जिस तरह के होते हैं उसी प्रकार से जंतुओं का निर्माण होता है, इसी को जो है आनुवंशिकता की इकाई भी मानते हैं। अब देखते हैं आगे कि कोशिकाओं के प्रकार आ जाएंगे। अब कोशिकाओं के प्रकार, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ सेल, TYPES ऑफ OF सेल्स, CELLS, कोशिकाओं के प्रकार। संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है, पहला देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, अंग्रेजी है PROKARYOTIC सेल्स, CELLS। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, EUKARYOTIC सेल्स, CELLS, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इस तरह से कोशिकाएं दो प्रकार की हुई। कितने प्रकार की? दो प्रकार की हुई, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यानी संरचना के आधार पर जो है कोशिकाएं दो प्रकार की होंगी। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब इसके आगे आपका है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं है क्या। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं देखिए, यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते किसे हैं? प्रोकैरियोटिक कहते किसे हैं, इनके बारे, इनकी परिभाषा जानेंगे, डिफिनीशन, परिभाषा जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक होता क्या है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इन कोशिकाओं में केंद्रक कला के अभाव के कारण संगठित केंद्रक नहीं होता है,
यानी जो इन कोशिकाओं मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला के अभाव के कारण संगठित केंद्रक नहीं होता है। इन कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया, लवक, तारककार, गाल्जीकार आदि कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ये जितने भी हैं माइटोकांड्रिया, लवक, तारककार, गाल्जीकार ये सब कोशिका के भाग होते हैं, अंग होते हैं। ये सब जो है आर ए जितने भी हैं ये हैं कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को हम प्रारंभिक कोशिकाएं भी कहते हैं। अब ये प्रारंभिक कोशिकाएं या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है इसके बारे में जानेंगे। पहला है जीवाणु। जीवाणु की अंग्रेजी होती है बैक्टीरिया। क्या होती है? बैक्टीरिया। दूसरा है नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल। अब बैक्टीरिया, ये पहला उदाहरण है जीवाणु, दूसरा नीले हरे शैवाल, ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहते हैं। जीवाणु की अंग्रेजी है बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल की इंग्लिश है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू माने नीला, ग्रीन माने हरा और एल्गी माने शैवाल होता। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। यूकैरियोटिक कोशिकाएं होता क्या है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं का दूसरा नाम है विकसित कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का दूसरा नाम विकसित कोशिका होती है EUKARYOTIC सेल्स CELLS। यूकैरियोटिक कोशिका कोशिकाएं या विकसित कोशिका इसी को कहते हैं। अब इसकी परिभाषा ये जानेंगे कि यूकैरियोटिक या विकसित कोशिकाएं होता क्या है। केंद्रक कला की उपस्थिति के कारण, केंद्रक कला की उपस्थिति के कारण इन कोशिकाओं में संगठित केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक कला की उपस्थिति के कारण इन कोशिकाओं में संगठित केंद्रक पाया जाता है। इनमें माइटोकांड्रिया, लवक, लवक की अंग्रेजी होती है प्लास्टिन, तारककार, तारककार की इंग्लिश है सेंट्रोजोम, गाल्जीकार के गाल्गी बॉडी आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। यानी केंद्रक कला की उपस्थिति के कारण इन कोशिकाओं में संगठित केंद्रक पाया जाता है। इनमें माइटोकांड्रिया, लवक, तारककार, गाल्जीकार आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। इस तरह से देखेंगे ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इसकी हिंदी है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या है, ये दो चीज़ है। तो यानी प्रारंभिक कोशिका, दूसरा नाम भी दे सकते हैं प्रोकैरियोटिक यानी प्रारंभिक कोशिका, यूकैरियोटिक यानी विकसित कोशिका। प्रारंभिक कोशिका और विकसित कोशिकाओं में अंतर क्या होता है, तो हम दो लाइन खींचेंगे। पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिका लिखेंगे, दूसरे तरफ यूकैरियोटिक कोशिका लिखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या क्या चीज़ पाई जाती है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या चीज़ पाई जाती है, वहीं जो है लिख देते हैं तो वहीं डिफरेंस हो जाता है। तो पहला देखेंगे कि संगठित केंद्रक नहीं होता है।
पहला है संगठित केंद्रक नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें देखिए संगठित केंद्रक पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम ऐसे कह सकते हैं जो केंद्रक नहीं होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक की इंग्लिश है न्यूक्लियस, न्यू एन यू सी एल ई यू एस, न्यूक्लियस होती है। दूसरा है लवक, दूसरा जो है लवक माइटोकांड्रिया गाल्जी का आदि अंग नहीं पाए जाते हैं। इसमें देखेंगे लवक माइटोकांड्रिया गाल्जी का आदि अंग पाए जाते हैं, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उनमें जो है लवक पाई जाती है, माइटोकांड्रिया पाई जाती है, गाल्जी का पाया जाता है, और अन्य शेष अंग होते हैं वो नहीं पाई जाती है। यानी लवक माइटोकांड्रिया गाल्जी का आदि अंग नहीं पाए जाते हैं। दूसरे में हम आएंगे जो यूकैरियोटिक कोशिका है इनमें लवक माइटोकांड्रिया गाल्जी का आदि अंग पाए जाते हैं। तीसरा आपका है, तीसरा क्या है, तीसरा देखेंगे कि राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें राइबोसोम्स पाई जाती है, राइबोसोम्स जो है राइबोसोम्स अंतःप्रद्रव्यी जालिका पर छोटे छोटे प्रोटीन से निर्मित दानेदार कण होते हैं, जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम 70S प्रकार के जो होते हैं वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, और राइबोसोम जो 80S प्रकार के होते हैं वह यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। 70S राइबोसोम जो है, अब ये 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, 70S राइबोसोम जो है दूसरा है 80S राइबोसोम, चौथा है आपका जो चौथा डिफरेंस है श्वसन क्रिया जीव द्रव्य में होता है। श्वसन क्रिया जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें जो श्वसन क्रिया होती है वह जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म माने जीव द्रव्य में होता है। और चौथा है श्वसन क्रिया माइटोकांड्रिया में होती है। जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें जो श्वसन क्रिया संपन्न होती है इसमें माइटोकांड्रिया में, इनमें जो है जीव द्रव्य में होता है। ये आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर है। अब इसके आगे अगले दिन पढ़ाया जाएगा।